130 जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं जनाब वजीर आजम को और अपनी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस टाइम में जब इस कोरोना वायरस ने, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, इन मुश्किल हालात में एक ऐसा बेहतरीन बजट पेश करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, इस बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि कई शोबों का पैसा बढ़ाया गया, गरीब पर कोई बोझ नहीं डाला गया और एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे बढ़ाए गए। जनाब स्पीकर, सेहत के शोबे में भी इंक्रीज हुई बजट में, जो कि आजकल के हालात में आपको पता है कितना जरूरी है। ये कोरोना की वबा, इसने पूरे मुल्क को लपेट में ले रखा है। जनाब स्पीकर, जब से ये बजट पेश हुआ है, ओपोजिशन की तरफ से बहुत तनकीद आ रही है इस बजट में। मैं ये समझता हूं कि ये तनकीद का टाइम नहीं है, ये जाने बचाने का टाइम है। वो कहते हैं जनाब स्पीकर कि जान है तो जहान है, अगर इस मुल्क में जाने बचेंगी तो मईशत और इकॉनमीज भी ठीक हो जाएंगी। जनाब स्पीकर, मैं वजीर आजम इमरान खान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस वक्त ये वबा फैली और दुनिया के बड़े छोटे ममालिक, उनकी इकॉनमीज इससे मुतासर हुई, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के घुटने टिकवा दिए इस वबा ने, और जनाब स्पीकर हमारे वजीर आजम पर बहुत प्रेशर था हर तरफ से। कई लोग तो ये भी कहते थे कि इस मुल्क को ताला लगाकर चाबी साइड पर रख दें तो इस वबा से जान छूटेगी। उस इमरान खान ने जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, सिर्फ गरीब आदमी का सोचा उस वक्त, और उस टाइम पे जब कोई उम्मीद नहीं थी गरीब को, एहसास प्रोग्राम जैसा तोहफा गरीब तक पहुंचाया। और जनाब चेयरमैन, उन्होंने कंस्ट्रक्शन जैसा शोबा खोला ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जलता रहे। जनाब चेयरमैन, आपने भी देखा होगा जब ये एहसास सेंटर्स पे पैसे बट रहे थे, जब गरीब आदमी को पैसा मिल रहा था, वो मनाजर मैंने अपनी आंखों से देखे। चेयरमैन साहब, जब वो हाथ में गरीब पैसा पकड़े 12,000 रुपया लेकर वो निकलता था एहसास सेंटर से, तो वो रो रो के इमरान खान की लंबी उम्र की दुआएं करता था। जनाबे चेयरमैन, मैं यहां खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपनी पाकिस्तान आर्मी को, जिन्होंने हुकूमत के साथ खड़े होके और अभी तक खड़े होके इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, और खसूसन अपने मुल्क के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, जो सारे कोविड पेशेंट्स का इलाज करते आ रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल के इलाज करते आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर पे यहां काफी बातें हुई, मैं खुद एक काश्तकार हूं, एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 65% से ज्यादा पाकिस्तानियों का जरिया माश किसी ना किसी तरीके से ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। जनाब चेयरमैन, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर जा चुकी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर जा चुकी है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में कंपीट नहीं कर पा रहे। हमने इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेकर आना है ताकि हमारा किसान, काश्तकार एक्सपोर्ट मार्केट्स में कंपीट कर सके। जनाब चेयरमैन, हमें अपने सिस्टम्स इंप्रूव करने की जरूरत है, जो इमदाद, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से जाती हैं, वो ये फर्टिलाइजर वाले, पेस्टिसाइड्स वाले, ये गरीब किसान तक नहीं पहुंचने देते। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डीलर्स बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं जनाब स्पीकर, वो किसानों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। हमें एक
कंटिन्यूअस एग्रीकल्चरल पॉलिसी की जरूरत है, हमें डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जनाब स्पीकर, दुनिया में ज़राअत का शोबा बहुत तरक्की कर गया है, हमें वो टेक्नोलॉजीज लेकर आनी है और अपने किसान और काश्तकार को देनी है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, जिनसे वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर सके। जनाब चेयरमैन, हमें सीड डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारे सीड डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। हमारे सीड्स, जनाब चेयरमैन आपकी मैं अटेंशन चाहूंगा इसके ऊपर। आपको पता है कि हमारे मुल्क में पानी की कमी है, हमें टेक्नोलॉजी वो देनी है किसान को, अपने काश्तकार को, जिससे वो पानी की बचत कर सके, जिससे उसको ये बताया जा सके कि इस टेक्नोलॉजी से आपकी बचत भी होगी और आपकी औसत भी बेहतर होगी। जनाब चेयरमैन, हमें क्लाइमेट चेंज का भी सामना है, और अभी कुछ देर पहले अमीन साहब बात कर रहे थे कि वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जो बड़े सिवियरली क्लाइमेट चेंज से हिट हुए हैं। जनाब चेयरमैन, हमें न्यू एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जरूरत है, एग्रो इकोनॉमिकल जोन की जरूरत है। चाइना से हमारी एक पार्टनरशिप चल रही है सीपैक में। जनाब चेयरमैन, मैं ये चाहूंगा कि चाइना के साथ मिलकर हम थिंक टैंक्स बनाएं जिसमें चाइनीज एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बैठे, हमारे पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे से मुंसलिक जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे और हमारा किसान उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा सके। जनाब चेयरमैन, बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो छोटा बड़ा माल मवेशी रखते हैं पाकिस्तान में, बल्कि मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। हमारी जो इंडस की बेल्ट है और जो हमारी कोहे सुलेमान की बेल्ट है और उससे लेके बलोचिस्तान तक, बल्कि पूरे पाकिस्तान में छोटा बड़ा माल मवेशी रखा जाता है, इसकी एक्सपोर्ट भी होती है। जनाब स्पीकर, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक में हमारा जानवर जाता है। मेरी ये वजीर आजम साहब से दरखास्त होगी कि इन एक्सपोर्ट का दायरा कार वसी किया जाए ताकि हमारा गरीब आदमी इससे फायदा उठा सके। जनाब स्पीकर, लोकस्ट पे टिड्डी दल पे भी यहां बहुत बात हुई। मेरे हिसाब से अगर टिड्डी दल कंट्रोल ना हुआ तो ये कोरोना से ज्यादा इकोनॉमिकल नुकसान हमारे मुल्क को दे सकती है। इस पे काम हो रहा है और मैं इंसिस्ट करूंगा कि इस पे और काम होना चाहिए ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। और सबसे जरूरी चीज, जनाब चेयरमैन, मेरी वजीर आजम साहब से यह दरखास्त होगी कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकिंग में किसान काश्तकार को जरूर शामिल किया जाए। जनाब चेयरमैन, मैं आखिरी बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, इन्होंने अगले दिन तकरीर की, इन्होंने अपनी तकरीर में साउथ पंजाब का जिक्र किया। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला डेरा गाजी खान से है। इन्होंने अपनी तकरीर में जनाब चेयरमैन नए और पुराने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान के साथ साथ बार बार इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन, नवाज शरीफ का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? उनके बच्चे लंदन, पैसे लंदन, फ्लैट लंदन, बजाते खुद प्लेटों समेत लंदन, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक वास्ता? खाय साहब ने यह भी फरमाया कि हम देंगे जनूबी पंजाब। सर, इसी तख्ते लाहौर से तो हम तंग थे, सालों से तंग थे, जो हमने ये जनूबी पंजाब का महाज बनाया था। हमारे हिस्से की तरक्की भी ऑरेंज ट्रेन और जंगलाबाद सर्विस में गई, ग्रीन लाइन में। इनसे तंग आके जो हमने ये फैसला किया था कि हम इनसे तख्ते लाहौर से जान छुड़ा करेंगे। जान क्या छुड़ानी थी? जनाब स्पीकर, मियां शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद उधर आ गए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। फिर जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की आवाम ने, डीजी खान की आवाम ने,
तहसील कोट छुट्टा और चोटी जरीन की आवाम ने अपना फैसला सुनाया, जिस फैसले के नतीजे में मैं आज आपके सामने इस आवान में खड़ा हूं। चेयरमैन साहब ये देंगे जनूबी पंजाब हमें, ये इमरान खान का वादा है और इमरान खान अपना वादा पूरा करेगा। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बड़ा काम किया, हमारा सेक्रेटेरिएट भी बन रहा है इंशाल्लाह, लेकिन मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा कि सेक्रेटेरिएट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इंशाल्लाह सुबह इमरान खान से चाहिए और हम लेंगे इंशाल्लाह। वाइंड अप प्लीज। जनाब चेयरमैन सरदार सर, आखिरी बात सर, सर हमारे वहां पे एक हिल स्टेशन है डेरा गाजी खान में फोर्ट बंडरू, वो तकरीबन इंटीरियर बलोचिस्तान लोअर लही तक, इंटीरियर सिंध और जनूबी पंजाब के हिस्से को कैटर करता है, इंतहाई खूबसूरत जगह है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो वो एक हिल स्टेशन, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट जबरदस्त किस्म का बन सकता है, और उस पर काम काफी हुए मगर पाए तकमील तक कोई चीज नहीं पहुंची, बल्कि इंटरनेशनल फंडिंग भी उसमें आसानी से आ सकती है। मेरी ये गुजारिश होगी वजीर आजम साहब से कि वो इसके ऊपर फोकस करें और इसके ऊपर कोई काम किया जाए। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी।